हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोड विद निक। आज दोस्तों हम लोग सीखेंगे कि व्हाइल लूप क्या होता है। तो लास्ट वीडियोस तक मैंने जो पोस्ट किए हैं पाइथन के लेसन, उनमें आप देखेंगे मैंने इफ एल्स लूप तक आप लोगों को सिखा दिया है। अब उसके आगे के लेसन मैं अपलोड करता रहूँगा फ्रिक्वेंटली। तो पहले देखते हैं कि व्हाइल लूप क्या होता है। व्हाइल लूप एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि इफ स्टेटमेंट की तरह ही है, लेकिन ये एक बार से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो व्हाइल लूप क्या हो गया, एक कंडीशन आपके पास है और जब तक वो उस कंडीशन को होल्ड करता है तब तक उसके अंदर के स्टेटमेंट रिपीटेडली एग्जीक्यूट होते रहते हैं। अब एक आप लोगों के सामने छोटा सा एग्जांपल, और मैं वीडियो काफ़ी छोटा बनाने वाला हूँ दोस्तों कि फटाफट से आप लोगों के समझ में भी आए और कम्प्लीट हो जाए, और कहीं पर मैं स्किप भी करूँगा, कहीं पर फास्ट फॉरवर्ड भी कर दूंगा। तो ये कोड आप लोगों के सामने है, आई इक्वल्स टू वन और व्हाइल आई लेस देन इक्वल्स टू टेन। तो आई मैंने इनिशिएट करा 1 से और लेस देन 10 तक का प्रिंट करा दिया आई की वैल्यू, और एक एक करके इंक्रीमेंट करा दी, और लास्ट में हम प्रिंट करते हैं कि मान लीजिए डन करके मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम डन करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 10 तक का इसने प्रिंट कर दिया। ये सब कुछ कैसे होता है आप पहले के लास्ट वीडियो चेक कर लीजिएगा कि कैसे रन करते हैं, कैसे सेव करते हैं। तो अभी मैं डायरेक्ट आप लोगों को आगे का लेसन बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। व्हाइल लूप में ये होता है, एक बार मैं कमेंट कर देता हूँ, कमेंट को हम डायरेक्ट वैसे शॉर्टकट कीज़ के यूज़ करके भी कमेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को इस तरीके से दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आए। तो जब आप प्रैक्टिस में आ जाते हैं दोस्तों, तब आप शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करके फटाफट से अपने चीज़ों को कमेंट अनकमेंट या बहुत कुछ कर सकते हैं कीज़ के द्वारा। तो इनफाइनाइट लूप के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ये एक ऐसा लूप होता है जो नेवर एंडिंग लूप, जैसे कि नाम से आप लोग समझ पा रहे होंगे। फटाफट से मैं दिखा दूँ आपको क्या होता है। अगर 1 = 1 किया मैंने, तो ये देखिए 1 = 1 अपने आप में मतलब ट्रू वैल्यू है, मतलब 1 = 1 तो होना ही है। तो जब तक 1 = 1 होगा तो वो तो हमेशा रहेगा, तो तब तक प्रिंट कर दिया लूप 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 लूप। तो लूप इनफाइनाइट लूप चल हमारे सामने चल रहा है, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसमें चेंज करके दिखाता हूँ आप लोगों को। i = 0 और एक काम करते हैं, लूप की जगह पे मान लीजिए मैं प्रिंट कराता हूँ i की वैल्यू, और 0 से मान लो मैंने कुछ इसमें प्रिंट करा देते हैं, पहले इसको इंक्रीमेंट कर देते हैं i = i+1, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है आप नीचे कमेंट करिए, मैं वहाँ पर आप लोगों के डाउट क्लियर करता जाऊँगा, ठीक है। क्योंकि आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, इसलिए मैं फटाफट से ये वीडियो में समझा रहा हूँ। अब मैंने अगर मैंने एक वैल्यू इसमें एक ऐसा स्टेटमेंट डाल दिया, एक ऐसी कंडीशन डाल दी कि अगर आई की वैल्यू 6 से ज़्यादा होती है ग्रेटर देन या इक्वल टू 6 तो प्रिंट कर दे, मतलब वो आपके हाथ में दोस्तों, आपको क्या प्रिंट करवाना है या ब्रेक करवाना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है दोस्तों, आई एम गोइंग टू ब्रेक, यहाँ पे मैं ब्रेक कर रहा हूँ, मतलब मेरे को चाहिए कि 6 तक का प्रिंट हो और 6 से जैसे ही ज़्यादा हो जाए वैल्यू वो ब्रेक कर जाए। तो इस तरीके से भी व्हाइल लूप हम चला सकते हैं, देख रहे हैं आप। अब इसमें प्रिंट कर देते हैं लास्ट में हम आई एम डन, ठीक है फ्रेंड्स। अब चला कर देखते हैं एक बार इसको। अच्छा, थोड़ी गड़बड़ हुई है, इसने आई प्रिंट कर दिया जबकि मैं 1 2 3 4 5 6 करना चाहता था और 6 आते ही वो गोइंग टू ब्रेक। लेकिन क्या प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है, देखिए दोस्तों, कई बार हम जब गलती करते हैं ना कोड में, उससे भी हम सीखते रहते हैं। ये देखिए, तो आपके सामने कोड है, अब इसमें बताइए क्या गलती हो सकती है, सोचिए। एक्चुअली मैंने आई को एक एज अ स्ट्रिंग या एक मतलब डायरेक्ट वैल्यू दे दी, जबकि यहाँ पर मुझे वेरिएबल देना है, i = 1 था ना, तो आई यहाँ पर लिखना है, डायरेक्ट हम आई लिखेंगे, मैंने वो डबल कोट्स के अंदर लिख दिया। अब देखिए, अब आई की वैल्यू उसने ले लिए 0 1 2 3 करके, एक एक करके इंक्रीमेंट करके उन्हें प्रिंट करा दिया 5 तक का, और 6 आते ही उसने ब्रेक कर दिया क्योंकि मैंने = 6 कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इस तरीके से काम करता है, और इस पर आप कुछ भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हैं, ऊपर नीचे आप खुद भी कोड करके देखिएगा और काफ़ी कुछ आप लोगों के समझ में आएगा। अभी देखिए मैं इसमें थोड़ा कुछ और चेंजेस करके देखता हूँ। अभी मैंने ब्रेक करना दिखाया आपको कि ब्रेक स्टेटमेंट कैसे काम करता है, ठीक है फ्रेंड। अब आप चाहें तो पर्टिकुलर किसी स्टेटमेंट पर आगे उसे स्किप कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, फिर ब्रेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी कुछ आप व्हाइल लूप के अंदर में काम कर सकते हैं। अब जैसे ये एग्जाम्पल आप लोगों के सामने, मान लो आई कि वैल्यू जैसे ही 2 हो जाती है, = 2 होती है, मैं चाहता हूँ वहाँ पे स्किप हो जाए 2 पे आते और फिर कंटिन्यू कर दे, और जैसे ही 5 पे आए 5 पे जाके ब्रेक हो जाए। अब देखो इसका कैसे आउटपुट आता है, एक बार कोड चेक कर लेते हैं। ठीक है, 1 देखिए, उसके बाद 2 आना था, 2 पे स्किप हो गया, 3 4 को भी प्रिंट किया, 5 आते ही ब्रेक हो गया,
तो ये कंटिन्यू ब्रेक का इस तरीके से यूज़ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो एक छोटा सा वाइल लूप मैंने आप लोगों को बताया, आप चाहें तो मेरे चैनल को विजिट कीजिए और भी बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, काफ़ी वीडियोस मैंने पोस्ट किए हैं टेक्निकल और पाइथन के लेसन से हटके भी, काफ़ी आपको देखिए कोडिंग के फैक्ट्स मैंने आप लोगों को दिखाने लिए, अलग अलग दो प्लेलिस्ट मैंने डाल रखी है जिसमें लास्ट वीडियोस आप देख सकते हैं पाइथन के रिलेटेड, और इसी तरीके से एक दूसरी प्लेलिस्ट है जहाँ पे मैंने कोडिंग के फैक्ट मतलब फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं वो सब पोस्ट किए हैं। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलेंगे जल्दी नए लेसन के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।